सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अभिषेक और आज बात करने वाले हैं यार दो ऐसी बाइकों के बारे में। आज इनका कंप्लेंट वीडियो एक बनने वाला है, जो है पहली है आपकी कॉन्टिनेंटल जीटी और दूसरी है आपकी सुपर मीटी और 650। तो दोनों ही बाइकों का आज कंप्लेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो आप इस चीज़ को नोटिस कर लेना क्योंकि ये होने वाला है काफ़ी तगड़ा इनका कंपेयर रिव्यू। तो यार यहाँ पर देखने के लिए दोनों इंजन आपको सेम देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा 650 cc का एक लिक्विड कूल्ड इंजन, वही सेम इंजन इसमें भी यूज़ किया गया है। बस फर्क जो है वो राइडिंग पोस्चर का फर्क है, जहाँ पर इसकी तो पोस्चर जो है थोड़ा कंफर्टेबल की तरफ रखा गया, वहीं पर इसको थोड़ा सा एग्रेसिव लुक देने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले मैं इस बाइक की बात कर लेता हूँ। सेम इंजन दिया गया है, मिस्टर क्लीन है। इसका इंस्ट्रूमेंट कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्रिस्टल देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पर को बात करूं सुपर मीटियोर की, तो इसमें आपको थोड़ा सा अलग देखने के लिए दिखेगा। यहाँ पर को आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्रिस्टल है वो थोड़ा सा अलग देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिल जाएगी, गियर पोजीशन इंडिकेटर की वो सब इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिल जाएंगी। बाकी फ्रंट लुक है, फ्रंट लुक लगभग दोनों का सेम रखा गया है। सामने से इस तरीके की कुछ हेडलाइट दी गई है और सामने इस साइड भी सेम कुछ उसी तरीके की हेडलाइट दी गई है, तो उसमें ज़्यादा फर्क है नहीं। हाँ, एक फर्क आपको दिखेगा, यहाँ पर स्पोक्स व्हील आपको देखने के लिए मिलेंगे, वहीं पर सुपर मीटियोर में आपको अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वो एक फर्क है। बाकी लिक्विड कूल्ड इंजन दोनों में आता है, यहाँ भी आपको लिक्विड कूल्ड देखने के लिए मिल जाएगा और सामने भी आपको लिक्विड कूल्ड देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं दोनों के साइलेंसर की। तो साइलेंसर का जो पोस्चर है वो थोड़ा सा अलग रखा गया है, साउंड भी दोनों की अलग है। जहाँ पर जीटी में आपको थोड़ा सा अपर हैंड की तरफ को साइलेंसर मिल जाएंगे दोनों ही साइलेंसर, वहीं पर बात करूँ सुपर मीटियोर की, तो सुपर मीटियोर में आपको नॉर्मल फ्लैट साइलेंसर देखने के लिए मिलेंगे, तो वो एक चीज़ है। बाकी इसमें देख लीजिए आपको फ्लैट साइलेंसर यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी लुक सब्जेक्टिव टॉपिक होता है, किसी को इसका लुक पसंद आता है, किसी को इसका, तो वो चीज़ है। बाकी इसको थोड़ा सा कंफर्टेबल रखने की कोशिश की गई है, थोड़ा सा कंफर्टेबल राइड के लिए इसको बनाया गया है। बाकी जीटी की बात करूँ तो ये थोड़ा एग्रेसिव है, इसका लुक थोड़ा सा पोस्चर थोड़ा स्पूटी बाइक वाला पोस्चर है। इसमें जो हैंडल दिया है वो क्लिप ऑन हैंडल बार दिया है। बाकी पावर दोनों की सेम है, पावर में कोई कमी नहीं है। हाँ, साउंड में थोड़ा सा फर्क है, तो साउंड में मैं भूपेश भाई से कहूँगा एक बार इसकी साउंड ज़रा चेक कराएँ। तो एक बार सबसे पहले आपको मैं जीटी की साउंड सुनाता हूँ कि ये, और दोनों ही स्टॉक साइलेंसर हैं, साइलेंसर चेंज नहीं करे गए हैं, दोनों ही स्टॉक। इसकी साउंड एक बार सुन लीजिए, तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके की साउंड आपको मिल जाएगी जीटी में। भी बात करूँ सुपर मीटियोर की, एक बार इसकी साउंड आप लोगों को सुना देता हूँ। तो देखिए दोनों ही साउंड्स की थोड़ा सा साउंड में फर्क है। इसमें थोड़ा बेस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा सुपर मीटियोर में, बाकी इसमें थोड़ा सा आपको उतना खास बेस दिखता नहीं है। हाँ, साइलेंसर चेंज कराने के बाद इसका थोड़ा सा लुक अलग आ जाता है और थोड़ा सा साउंड की क्वालिटी भी अलग हो जाती है। तो इसके भी साइलेंसर चेंज होने वाले हैं जल्दी, उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, तो वो चीज़ है। बाकी इंजन दोनों ही ट्विन सिलेंडर हैं, तो दोनों ही में आपको वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में वाइब्रेशन आता है तो वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, वाइब्रेशन जीरो है। बस इसमें अलॉय व्हील्स नहीं आते हैं, तो वो एक चीज़ है। बाकी इसमें आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील लग सकते हैं और यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर बात करूँ आपको अगर लॉन्ग राइड पर निकलना है तो लॉन्ग राइड पर आपको ये चीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, लेकिन अगर आपको लोकल में घूमना है, सिटी राइड पर ही सिटी में चलना है, कॉलेज वाले जाने वाले बच्चे हो, तो फिर आपके लिए ये ज़्यादा बेटर हो सकती है, तो वो एक चीज़ है। बाकी हैजार्ड लाइट वाले फीचर अब सभी बाइकों में आ गए हैं। इसकी बात करूँ या सुपर मीटियोर की बात करूँ तो दोनों में ही अब हैजार्ड लाइट वाले फीचर आ चुके हैं। बाकी ये इसका मेन, बाकी प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ। प्राइसिंग में आपको 85,000 रुपये से थोड़ा कॉस्टली मिलेगी, क्योंकि उसमें अलॉय व्हील्स और थोड़ा सा लुक का फर्क आ जाता है। इसमें सिंगल सीट है, उसमें ट्विन सीट है, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा अलग है, तो इसमें आपको 85,000 रुपये इसमें ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, तो वो है। बाकी मेन आप चीज़ें बताई दी हैं। और आगे की बात करूँ फ्रंट की, तो फ्रंट में दोनों ही यहाँ पर LED आता है, इसमें भी LED आता है, इसमें भी आपको LED देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जो कंसोल है इसमें यहाँ पर को आपको एनालॉग दिया गया है, डिजिटल उतना है नहीं, तो एनालॉग दिया है उसमें। बाकी आपको फुली आपको डिजिटल देखने के लिए मिल जाएगा, वो मैं एक बार चेक करा देता हूँ। बाकी हॉर्न की क्वालिटी इसकी थोड़ा सा कम है, हॉर्न थोड़ा सा कमज़ोर लगता है। बाकी बात करूँ GT की, तो GT में जो है हॉर्न थोड़ा सा पावरफुल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए, तो ये कंपनी फिटेड हॉर्न है दोनों ही गाड़ियों में, तो इसका थोड़ा सा हॉर्न तो है बेटर निकल के आता है। तो एक बार ओवरऑल लुक आपको मैं दिखा देता हूँ दोनों ही गाड़ियों का। बाकी बात करूँ बैक से, तो बैक से एक बार GT का लुक दिखा दूँ, कुछ इस तरीके का GT का लुक आता है बैक से। साइलेंसर जो है ऊपर को उठे हुए हैं इसके। बाकी बात करूँ मीटियोर की, तो मीटियोर में आपको दोनों साइलेंसर फ्लैट देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सामने फ्लैट साइलेंसर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक कंपेयर वीडियो सुपर मीटियोर वर्सेस GT का। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।